हम इससे पहले ना बहुत कम सोचते थे तुम्हारे लाइफ का, शायद ही पहला डिसीजन होगा जो तुमने लिया है। क्या उस टाइम हमारे वो चौक वाले बोर्ड होते थे कि आप जाके पहले एडमिशन कैंसिल कर दो और इसको कुछ और कर रहे। वो रिपोर्ट एक्चुअल में सच में आगे का करियर डिफाइन करने के लिए उतनी सफिशियंट है। परफेक्शन सबसे बड़ा रोग है, बट जब हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन के हिसाब से देखते हैं तो पहाड़ लगता है। रेस्ट्रिक्शंस उसी के लाइफ में आते हैं जो कम काम करना चाहते हैं। बात है बहुत बहुत पहले की बात है, मतलब 2005 शायद तुम आए नहीं थे ना। मैं शायद थर्ड में था, तो होता ना पहली बार लाइव माइंड ड्रॉ करवा रहे हैं ना, पहली बार अपन को स्केल मिल जाती है ना कंपास बॉक्स वगैरह। तो एक बार ऐसे एक टीचर मेरे स्कूल की बहुत, मतलब उन्होंने एक्चुअली हमारे गांव का जो स्कूल है ना उन्होंने सेटअप करवाया था, उन्होंने बोला हम लोग लाइन बना रहे थे, उन्होंने बोला कि 3 सेंटीमीटर की लाइन बनाना, 3 या 5 ऐसे कुछ बोला था। तो हमने वो लाइन बोर्ड पर बनाई, तो फिर उन्होंने बोला रुको मैं बोर्ड पे बनाता हूँ। तो उस टाइम हमारे वो चौक वाले बोर्ड होते थे, तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लाइन बनाया, तो बोले देखो ये इधर इतनी छोटी दिख रही बट बहुत बड़ी दिख रही। तो उन्होंने पूछा नहीं है, बताया भी नहीं कि इसमें होता है क्या, खांचस कितना बोल के छोड़ दिए। कल मेरे को अचानक से याद आया कि हाँ यार, मतलब है इस चीज़ के पीछे डीप मीनिंग है। बट अभी तुम लोग ना, मतलब जस्ट ये तुम्हारी 2 साल की जर्नी है, ठीक है, मतलब तुम्हारे नोटबुक का जो पेज है ना वो जस्ट इतने टाइम तक, मतलब वो टाइम ड्यूरेशन है नोटबुक का पेज, 2 साल का टाइम ड्यूरेशन है, या फिर मान लो दिन का टाइम ड्यूरेशन। जो भी तुम स्ट्रगल कर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम देख रहे हो सकता है कि जैसे मान लो किसी किसी इंसान के लिए एक दिन बहुत खराब जाए, उस दिन के हिसाब से तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ। या फिर होता है ना कि महीने में एक आध बार मम्मी कुछ ताना मार दे, तुम्हें बोल दे कि अब तू तो खुद के लिए कुछ करता ही नहीं है, हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो महीने में कभी एक आध बार हमें बोला जाता है, बट हम सिर्फ उस मोमेंट पे अटक जाते हैं कि मेरे को यही बोला गया। बट जबकि देखा जाए तो बहुत बढ़िया जिंदगी, ठीक है, लाइफ फेजेस में चलती है। ये जो तुम नोटबुक के एक एक पेज बदल रहे हो ना, तुम्हारी लाइफ के एक एक फेज है। जैसे बचपन में तुम फर्स्ट टाइम स्कूल में एंटर किए है ना, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फिर वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे भी कुछ चैलेंजेस तो दिखे होंगे है ना। किसी बच्चे को 1 2 3 4 बोलना आ रहा है, 10th तक अपन को नहीं आ रहा है, अपन देख रहे हैं, ठीक है, उसको इंग्लिश बोलना आ रहा है। तो बहुत बार हम क्या करते हैं ना, जहाँ पे भी उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए सोचते तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, और लगना भी चाहिए। डर ही होता है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगा। और तुम अगर अपनी लाइफ में अभी तक हो गया, तुम्हें 16 साल हो गए, 16 साल में तुमने बहुत फेजेस देखे लाइफ में, कोई ऐसा किसी फेज में कोई ऐसा प्रॉब्लम जो तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोका हो अभी तक, कभी किसी चीज़ ने रोका है? अभी अभी इसके आगे भी कोई चीज रोकेगी नहीं। बस होता क्या है ना, हम इससे पहले ना बहुत कम सोचते थे, है ना, बहुत ज्यादा हमको उतना सोचते नहीं थे क्या चल रहा है क्या नहीं। बट अब सोचना चालू होगा तुम्हारा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल हो गए, तुम्हारी लाइफ का शायद पहला डिसीजन होगा जो तुमने लिया है कि हमें जेई के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसके पहले सब कुछ घर वालों ने किया है ना, क्योंकि पहली से 10वीं तो फिक्स है ना भाई, करना ही होता है। 10th के बाद फर्स्ट टाइम आया कि अब करना क्या, और उस टाइम तुमने डिसीजन लिया है, तब तुम सोचना चालू करे कि हाँ यार डिसीजन तो मैंने लिया है, अब ये सही होगा गलत होगा, इसमें सक्सेस मिलेगी फेलियर मिलेगा। बेटा जो भी होगा वो पूरे लाइफ में इतना तो इम्पैक्ट नहीं करेगा कि तुम्हारे लाइफ बहुत बढ़िया होगी या फिर बहुत खराब होगी। अपने हर एक फेज में अपना 100% देना, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 साल का मत सोचा, सिर्फ 2 साल का सोचना, फिर उसके बाद क्या, तुम ये सोचो ना 10 साल में मैं क्या कर सकता हूँ, 50 साल में क्या कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग यार अपनी जिंदगी एंड तक लास्ट मोमेंट तक वो कुछ ना कुछ अच्छा करते रहे। अभी जो भी पूरे एक दिन में जैसे हो सकता है कोई पेपर हो रहा है, उस पेपर में तुम्हें नंबर कम आ गया, फिर डिमोटिवेट कर रहे यार बहुत बहुत दिक्कत चल रही है। बट 2 साल में देखेंगे तो वो पेपर होने पड़ा हुआ है, 2 साल 11th 12th के, 4 साल इंजीनियरिंग के, कहीं दिखेगा भी नहीं। वही है ना, ये बोर्ड अभी इतना है, इस बोर्ड की लाइन बढ़ा दूंगा 10 गुना कर दूंगा, वो लाइन क्या दिखेगी, पॉइंट दिखेगी।
है ना, उसको और बड़ा कर दिया तो गायब हो जाएगी। लाइफ फेजेस में चलती है, तुम जितना कम टाइम के हिसाब से, जितना कम टाइम के रेफरेंस के हिसाब से देख रहे हो, प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगेगी। उस प्रॉब्लम को टैकल करने का तुम्हारे अंदर जज्बा होना चाहिए कि हाँ भाई जो भी चल रहा है उसको मेरे को निपटाना है, बट ये नहीं होना चाहिए कि उसके कारण तुम रुक रहे हो, है ना। एक नोटबुक पे इतना लाइन बना देना, क्या दिख रहा है भाई, रास्ता नहीं है ना, क्योंकि तुमने बाउंड्री डाल रखी है। बट यही है क्या लाइफ में, इतना ही है क्या रास्ता, इतना ही है क्या, नहीं है। रास्ता तो है, कोशिश कर लो सीधा इसको क्रॉस करने की। अगर पूरा एफर्ट डालने के बाद भी नहीं हो रहा ना, तो ठीक है भाई निकल लो बगल से, क्या दिक्कत है। जिंदगी बहुत बड़ी चलने वाली है, ठीक है, बस छोटी छोटी चीजों कारण अपने आप को स्टॉप मत करो, ठीक है। बहुत सारे लोग यार, मतलब लिटरली तुम सुनते होंगे कोई सुसाइड कर लिया, ठीक है, किसी ने अपनी नस काट ली, ये बहुत बड़ा रीजन होता है क्या, कोई ऐसी चीज तुम्हारा करियर स्पॉइल कर दे, कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हारा करियर स्पॉइल कर सकते। तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारे किसी एक चीज के कारण तुम्हारा करियर स्पॉइल होगा, तो जैसे तुम लोगों ने बोला कि वो सेम प्रॉब्लम फेस करके कोई आगे निकला है, हाँ, बट अगर तुम जानबूझ के कर रहे हो तो वही है ना कि तुम खुद ही अपने आप को गड्ढे में डाल दो, फिर तुम लोगों बचा नहीं पाए। बस अपना 100% डालो, ठीक है, जो भी तुम्हें अभी लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा टास्क है, हाँ इस फेज में टास्क है, बट ऐसा नहीं है कि इसी फेज में हमें अटक के रहना। किसी का ऐसा है कि भाई जब तक IIT का सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मेरे को पढ़ते रहना, मैं आगे बढ़ूंगा ही 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, मैं तब तक पढ़ूंगा जब तक मेरा IIT का सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। 2 साल है पढ़ने, जैसे तुम 10th पहली से 10वीं तक क्यों पढ़े, तो ऐसा एक गोल था क्या कि यार ये हुआ तो ही मेरा ठीक है, नहीं तो मैं खत्म हूं, गोल तो रखा ही था ना, बट नहीं हुआ तो तुम रुक गए वहां पे, नहीं तो 11th 12th वही है, बस इसमें क्या है हम लोग सीरियसली एफर्ट डाल रहे हैं, हाँ भाई कुछ मिल जाए, क्योंकि हम एस्पिरेंट हैं, हम क्या चाहते हैं कि जो भी कर रहे हैं उसे कुछ मिले, हमारी कुछ एक एस्पिरेशन है, एक अच्छी एस्पिरेशन है, वो हमेशा ही होनी चाहिए। क्या 11th 12th की पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए मेरे को IIT जाना, हो सकता है बहुत लोग जाएंगे भी, और हो सकता है बहुत लोग IIT जितना एफर्ट डालने के बाद भी IIT ना पहुंचे, बट IIT में जाने के लिए जितना एफर्ट लगता है उससे कम डालोगे और फिर IIT में सिलेक्शन नहीं होगा, तो तुम अपनी जिंदगी के लिए तुम जिम्मेदार हो, फिर बेटा तुम्हारे लिए बाउंड्री है। रेस्ट्रिक्शंस उसी के लाइफ में आते हैं जो कम काम करना चाहता है, रेस्ट्रिक्शन उसी के लाइफ में आते हैं जो कम काम करना चाहता है, जो एफर्ट में कभी अपने आप को नहीं रोकता है, उसके लाइफ में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, वो कहीं ना कहीं जाके अपने आप अपनी जर्नी को बेटर बनाए। ये जो पर्सपेक्टिव है ना, ये तुम्हारे अभी 2 साल की जर्नी के हिसाब से प्रॉब्लम बढ़े, या फिर होता है ना हमने 15 दिन के लिए टास्क रखा, तो उस 15 दिन में कोई एक चीज भी अपना सही नहीं हो रहा था, हम सोचते नहीं यार गड़बड़ हो रहा, ट्राई करो बेस्ट करने कोशिश करो, मैं नहीं बोल रहा मत करो, बट अगर नहीं भी हुआ ना तो बेटा बहुत आगे हो, ईशान बहुत सारे लोग इनिशियल चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम फेस किए होंगे, अभी अगर उसको अलग से टाइम दे तो सॉल्व हो रही ना प्रॉब्लम, ऐसा थोड़ी तो प्रॉब्लम ही रहेगी। काफी लोग, मेरे पास एक स्टूडेंट के पेरेंट आए थे, उसका वो साइकोमेट्रिक का और रिपोर्ट हुआ ना, बोले मैथ्स में खत्म है, ठीक है, वो जो काउंसलर थे उन्होंने बोल दिया कि आपने एडमिशन लिया, बोले कोचिंग वाले बाद में रिफंड नहीं देते, आप जाके पहले एडमिशन कैंसिल कर लो और इसको कुछ और करना। और मैंने सिंपल पेरेंट को एक ही चीज बोला कि देखो हो सकता है 10th तक जैसी उसने पढ़ाई की उसके हिसाब से रिपोर्ट तो सही है, मैं मना नहीं कर रहा, 45 डेज बच्चे को इधर पढ़ने दो, 45 डेज बाद फिर से एक बार तुम टेस्ट करा लो, अगर 45 डेज बाद लगता है ना बच्चा मैथ हैंडल नहीं कर पाएगा तो फिर आप निकल लो। कहीं यार वो रिपोर्ट किस बेसिस पे है, जैसे 10वीं में पढ़े वैसे रिपोर्ट है, मैथ्स को सिर्फ लिया ही नहीं था ना कभी पेपर में, इग्नोर ही करके चले थे, फिर उतना एप्लीकेशन पार्ट था नहीं, तो जैसा पढ़ाई हुआ 10th तक का वैसा रिपोर्ट निकला, बट क्या वो रिपोर्ट एक्चुअल में सच में आगे का करियर डिफाइन करने के लिए उतनी सफिशियंट है कि नहीं है,
कोई बच्चा पूरा ट्राई करने के बाद नहीं बन रहा तो हाँ वहां पे हो सकता है, हाँ यार उसने ट्राई किया था, वही सोच के पढ़ाई किया था, बट उसका नहीं हो रहा है, उसका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अच्छा नहीं, वो लैंग्वेज में अच्छा है या फिर कॉमर्स में जा सकता है, तो तब कह सकते हैं हाँ भाई वो रिपोर्ट है। बट जब तुमने एक तुम्हारे लाइफ में एक अलग गोल डाल रखा था कि तुम्हें टेंथ में अच्छा परसेंटेज आना है, तो उस टाइम तुम सिर्फ एक अकेले मैथ्स के पीछे भागोगे क्या? नहीं भागोगे। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें किसी चीज को करने के लिए या ना करने के लिए तुम्हें 100% श्योरिटी के साथ कोई आंसर देता। अभी जैसे सीईटी के राउंड चल रहे हैं एडमिशन के, फर्स्ट राउंड हो चुका है, सेकंड राउंड हुआ, तो फर्स्ट के बाद कुछ बच्चों ने बेटरमेंट के लिए चूज किया ऑप्शन कि जो कॉलेज मिले उससे बेटर कॉलेज मिले सेकंड राउंड में। अब उनको सेकंड राउंड में बेटर कॉलेज मिले नहीं, अब उनका ये कहना है कि सर थर्ड राउंड में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि सेकंड में तो बेटर मिला नहीं है। अब तुम्हारी लाइफ में हमेशा कोई 100% श्योरिटी सर कोई चीज है नहीं। अगर कोई बच्चा फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड बेटरमेंट डाल ही नहीं रहा या फिर सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड में बेटरमेंट डाल ही नहीं रहा, तो उसका तो फिक्स है ना, उसको जो मिला वही मिलने वाला। बट जो बेटरमेंट डाल रहा हो सकता है उसका कुछ तो अपग्रेड होगा, वही है ना, वहां पे तुम्हें कोई ये नहीं बता सकते हाँ भाई ये चीज धोनी की 100% प्रोबेबिलिटी, ये चीज धोनी की 0% प्रोबेबिलिटी। चीजों में अटक के मत रहो, एक्सप्लोर करना सीखो और अपने आप को सही डायरेक्शन देना सीखो, ठीक है? और जो चीज पहाड़ बन के खड़ी है, मतलब पहाड़ चढ़ते कैसे चढ़ते हैं लोग, माउंट एवरेस्ट कैसे जाते हैं, सीधा उड़ते हैं क्या, क्या कर घूम फिर के जाते रहते ना। अभी हम इधर लोनावा साइड जाते थे, गाड़ी कैसे जाती है, सीधा चढ़ती है पहाड़ में, क्या करती है घूमते जाती है, ऊपर जाना ना बेटा, सीधा नहीं जा पा रहे हो ना तो घूम के जाना पड़ेगा, जो सीधा जाने की कोशिश करेगा हो सकता है वो पहाड़ वहाड़ तोड़ के चले जाए वो दशरथ मांझी जैसे, पर टाइम लगेगा, टाइम है तो कर लो, जल्दी पहुंचना तो तुम्हें बेस्ट वे ढूंढना पड़ेगा। तो वही है कि अभी अभी के हिसाब से अभी के फेज में जो भी हो रहा है वो अभी के फेज के लिए है, वो पूरी लाइफ के लिए नहीं है। आईआईटी में सिलेक्शन होने के बाद भी कोई ऐसा बच्चा मिला कि अगर आईआईटी में सिलेक्शन हो गया अब मेरी जिंदगी में कुछ खराब हो ही नहीं सकता, ऐसा है क्या? नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं बोलेगा यार मेरे को आईआईटी नहीं मिला तो मेरे लाइफ में सब कुछ खराब होने वाला, ऐसा भी नहीं। एक लाइफ का फेज है, किसी बड़े इंसान की जर्नी तुम देख लो, एक टाइम पे उसको पूरी दुनिया पूछती थी, एक टाइम पे उसको पूरी दुनिया गाली भी देती थी, ठीक है? सबने अपने लाइफ में अलग अलग फेजेस में अलग अलग प्रॉब्लम को हैंडल किया है, अलग लेवल का सक्सेस भी मिला है, एक अलग लेवल का फेलियर भी मिला है। तो अभी जो कुछ चल रहा है अपना बेस्ट डालो और रिजिड मत हो जाओ। सबसे बड़ा रोग क्या पता है, परफेक्शन सबसे बड़ा रोग है कि मैं जो भी करूंगा 100% परफेक्शन के साथ करूंगा। वो कोटा फैक्ट्री में बहुत अच्छा एग्जांपल है कि तुम परफेक्ट बनना चाहते हो ना तो टू का टेबल होता है। टू का टेबल क्या होता है, उसमें क्या होता है, टू इंटू वन टू है ना, टू इंटू टू फोर, मतलब ये एडिशन के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 2 प्लस 2 4 है ना, 2 प्लस 2 प्लस 2 6, वो क्या है वर्ड सेंटेंस क्या है, 2 3s are हां 6, 2 3s are, और 2 प्लस 2 प्लस 2 6 नहीं है तो 3 प्लस 3 6 है, बट हम तो बचपन से यही मान रहे हैं। हां तो परफेक्शन तो नहीं था, अटके गया कहीं पे नहीं, समझ में आ रहा है? तो हर चीज परफेक्शन साथ करने की अगर कोशिश करोगे तो क्या होगा, फंस जाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आधा दूर करके भागो, अगर हर चीज 100% नहीं हो सकती, 99% भी ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 99% चीजों का एक्सप्लोर करना भी ठीक है। कभी कभी 90% में भी अगर जाने के बाद अपना लग रहा अपना लेवल रीच हो चुका है तो 91% तक का कोशिश करना और फिर उसका छोड़ देना, फाइट मारना बट फाइट इतना मत मारना कि उधर ही मर, ठीक है? तो क्या है मीनिंग, छोटी लाइन बड़ी लाइन,
प्रॉब्लम वही है, उतना ही वैल्यू रखती है, बट जब हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन के हिसाब से देखते हैं तो एक पहाड़ लगता है, पूरी जिंदगी के हिसाब से देखते हैं तो उसका उतना भी बड़ा इशू नहीं है। ठीक है।